सो गाइज, यह है बजाज की पल्सर 125 कार्बन फाइबर एडिशन का सिंगल सीट वेरिएंट। पल्सर 125 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पल्सर 125 नियॉन और पल्सर 125 कार्बन फाइबर एडिशन। और कार्बन फाइबर एडिशन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट, ये दो वेरिएंट मिलेंगे। तो ये पल्सर 125 कार्बन फाइबर एडिशन का सिंगल सीट वेरिएंट है, इस चीज का आप गौर कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी प्राइस घट चुकी है, यानी प्राइस को ड्रॉप किया गया है बजाज कंपनी की तरफ से। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बजाज कंपनी ने अपनी पल्सर सीरीज की किसी बाइक की प्राइस को घटाया है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में पूरा विस्तार से, क्या नए अपडेट किए गए हैं और जो प्राइस इसकी करंट में है कितनी है, कितने रुपए प्राइस इसकी घटाई गई है। तो ये सारी चीजें डिटेल से बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो अगर हम पल्सर 125 कार्बन फाइबर एडिशन के सिंगल सीट वेरिएंट की अगर हम करंट में एक्स शोरूम प्राइस की बात करें, तो ये आपको करंट में 87,846 रुपीस, 87,846 रुपए एक्स शोरूम प्राइस आपको मिल जाएगी प्रयागराज यूपी की। और करंट में इसकी जो ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 101,000 to 103,000 रुपीस, 101,000 to 103,000 रुपए के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिलेगी प्रयागराज यूपी की। तो पुरानी प्राइस से न्यू प्राइस में लगभग 1,500 रुपए का आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, 1,500 रुपए अब आपको इस गाड़ी में कम देना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशन आपको क्या मिलते हैं, चलिए उस पे एक नजर डालते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे आप सबसे पहले इसका ब्रेक देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेक। तो यहाँ पे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। ABS का सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा। जो फ्रंट का टायर है वो आपको 80/100 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। अलॉय व्हील आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, जिसपे आपको ब्लू कलर की टेपिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि इसके लुक को काफी इनहेंस करते हैं। सस्पेंशन के ऊपर आपको साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, और फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो आपको हमेशा की तरह टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। फेंडर पे आपको कार्बन फाइबर जैसा लुक देखने को मिलेगा, बट इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कार्बन फाइबर नहीं है, ये उसके जैसा दिखता है, कार्बन फाइबर ये नहीं है। मेन हेडलैम्प में अभी भी आपको LED का सपोर्ट नहीं मिलता है, 35/35 वाट का हैलोजन बल्ब मिलेगा, किसी प्रकार का LED हेडलैम्प या फिर LED DR लाइट आपको नहीं मिलेगा। ऊपर आपको वुल्फ आई इंस्पायर्ड पायलट पोजीशन बल्ब देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके लुक को फ्रंट से और भी ज्यादा इनहेंस करते हैं। विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, बट अगर यहाँ पे फुल LED का सपोर्ट हो जाए तो यहाँ पे विजिबिलिटी और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इंडिकेटर आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले ही मिलेंगे, सुपर फ्लेक्सिबल। ऊपर आपको ब्लैक कलर का वाइजर भी देखने को मिल जाता है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज इसमें आपको कोई खास नया चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जो नया अपडेट है वो इसके प्राइस में ही किया गया है। स्विचिंग क्वालिटी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी, लेफ्ट हैंडल बार पे लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच और साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, और ये बैक लाइट स्विचेस हैं, तो स्विचिंग क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन कील ऑन ऑफ स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच मिलेगा। अब मीटर कंसोल यहाँ पे आप देखेंगे तो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक रेगुलर डिजाइन देखने को मिलेगा बजाज पल्सर में। बजाज पल्सर में आपको यही डिजाइन का मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, टैकोमीटर एनालॉग। राइट साइड आपको डिजिटल कंसोल प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप अपना ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें देख पाते हैं, बट गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर इसमें आपको नहीं मिलता है। तो मीटर कंसोल में आपको कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, वही पुराने अंदाज में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें आपको मिल जाता है, और टैंक पे देखेंगे तो ब्लैक कलर का टैंक मिलेगा। टैंक के ऊपर यहाँ पे आपको पैड भी देखने को मिल जाता है, और टैंक के साइड में आपको पल्सर की ब्रांडिंग 3D एम्बर्ड में मिलेगी, और ब्लू कलर की स्टिकरिंग और टेपिंग देखने को मिल जाती है टैंक काउल के साथ में, जो कि लुक को काफी इनहेंस करता है। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाती है। इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर कार्बोरेटर जैसा, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर मिलता है, फ्यूल इफिशियंसी आपकी पहले से काफी बेहतर हो जाती है। माइलेज की अगर बात करें तो इस बाइक से अगर आप एक अच्छी राइड करते हैं तो आप इस बाइक से 55 to 60 तक का माइलेज आसानी से ले पाएंगे। इंजन की बात करें तो 124.4 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर 2-valve ट्विन स्पार्क DTSI इंजन देखने को मिलता है। मैक्स पावर 11.8 PS की मिलेगी 8500 RPM पे, और मैक्स टॉर्क 10.8 Nm का मिलेगा 6500 RPM पे। पावर और टॉर्क काफी बेहतर मिलेगा, पावर और टॉर्क को लेके कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। जो इसका इनिशियल टॉर्क है वो आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा, किसी तरह से लैक नहीं करता है, परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। इंजन के नीचे आपको स्पोर्टी इंजन काउल भी देखने को मिल जाता है। तो इंजन वाइज इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड सेंसर भी देखने को मिल जाता है। सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल सीट देखने को मिलेगी, बट अगर आप इसका स्प्लिट सीट मॉडल लेते हैं तो आपको उसमें स्प्लिट सीट मिलेगी। सीट कंफर्ट काफी बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सीट कंफर्ट को लेके। आगे आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रैब रील मिल जाएगा ब्लैक कलर का, और उसके नीचे आपको 125 की ब्रांडिंग के साथ ब्लू कलर की
टेपिंग भी देखने को मिल जाती है। लुक वाइज काफी इनहेंस करता है। साड़ी गार्ड आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा। जो रियर का टेल लैंप है वो आपको रेगुलर डिजाइन का एलईडी टेल लैंप देखने को मिलेगा। तो पूरी बाइक में आपको सिर्फ टेल लैंप ही एलईडी मिलेगा, अदरवाइज सारे लाइट आपको बल्ब वाले देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर भी आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर मिलेंगे। दूसरे साइड भी आपको 125 की ब्रांडिंग मिल जाएगी सीट काउल पे। और रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो 130mm का ड्रम ब्रेक रियर में आपको मिल जाएगा। तो रियर में आपको डिस्क का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जो रियर का टायर है वो आपको 100x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। व्हील पे आपको ब्लू कलर की टेपिंग मिल जाएगी जो कि लुक को काफी एनहांस करता है। जो रियर के सस्पेंशन है वो आपको ट्विन गैस शॉक अब्सॉर्बर विद कनिस्टर सस्पेंशन देखने को मिलेगा। तो सस्पेंशन क्वालिटी आपको काफी बेहतर मिलेगी। जो इसके एग्जॉस्ट है वो आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, उस पे आपको ब्लैक कलर का मफलर कवर भी मिल जाता है। अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको किक भी देखने को मिलेगा। तो इनकेस कभी बैटरी डाउन होती है तो आप किक से भी इसे स्टार्ट करके ऑपरेट कर पाएंगे। तो पूरी बाइक में आपको सिर्फ प्राइस से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेगा, अदरवाइज इस बाइक में और कोई नया अपडेट नहीं किया गया है। तो कैसी लगी ये बाइक और कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।